Hey guys, welcome back to my channel RB Creative Point और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी, क्विक और टेस्टी रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है होल मूंग दाल, ग्रीन दाल जिसे कहते हैं। मैंने होल मूंग दाल को रात भर सोक्ड करके रखा हुआ था, तो मैंने एक बाउल यूज़ किया है बड़ा वाला। तो आप जितने आप हिसाब लगा सकते हो कि आपको कितना चाहिए। तो उसके साथ मैंने लिया है चॉप्ड धनिया, ग्रीन चिलीज़ लिए मैंने चॉप भी करके रखी हैं और चटनी के लिए भी मैंने होल रखी हुई है। उसके साथ मैंने लिया है जिंजर और कड़ी लीव्स। कड़ी लिप्स मेरे पास थोड़ी कम थी तो इसलिए फिर मैं थोड़ी ही डाल रही हूँ, आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड करने के लिए आपको चाहिए मिक्सी या फिर ग्राइंडर। तो मेरे पास तो जो ग्राइंडर है बहुत छोटा है, तो उसमें मैं मज़ा नहीं आता मुझे उसमें ग्राइंड करने का, तो मैं मिक्सी यूज़ कर रही हूँ। तो मिक्सी में बाय वन सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूँगी। पहले मैं मूंग दाल डाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं चिलीज़ डालूंगी, करी लीव्स, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके साथ पहले शेयर किए वो सारे डाल दूंगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, साथ में मैं पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जितने भी जो मिक्सर्स होते हैं उनके ब्लेड्स तेज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी शार्प नहीं होते हैं, तो हमें पानी ऐड करना पड़ता है तभी वो अच्छी तरह से मिक्स हो पाता है सारा कुछ। तो बैटर तैयार हो गया है। अब इनके बीच में मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 चम्मच बेसन जिसे ग्राम फ्लोर बोलते हैं। उसके साथ मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैं रेड चिल्ली भी डालूँगी, पाउडर, रेड पाउडर वाली मिर्ची, वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मेक श्योर कि बेसन के लम्स नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी, बेसन और जो ये बैटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सबसे बेस्ट थिंग इस चिल्ला की ये है कि इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं विदाउट ऑयल बनाती हूँ, नॉन स्टिक में ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप भी इस चिल्ला को अपने घर पे बनाइए, ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही क्विक है। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप स्नैक्स में खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।